एकता कपूर के शो लॉकअप में मुनव्वर फारी बने रैपर। आखिरकार रैप सॉन्ग सुनाकर किस तरीके से अब सभी कैदियों के दिलों को जीत लिया है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, एकता कपूर के शो लॉकअप में मुनव्वर फारी जो है फेवरेट कंटेस्टेंट है, बाहर ऑडियंसेस के भी और अंदर कैदियों को भी, क्योंकि कैदी के साथ साथ जिस तरीके से एंटरटेनमेंट करते हैं मुनव्वर फारी, वो अंदाज जो है बाहर ऑडियंसेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी बीच आपको बता दूं कि जब सभी कंटेस्टेंट्स सभी कैदी ये इंतज़ार कर रहे थे कि जब कब झोल घर टास्क आएगा, तो उसी वक्त उसी दौरान जो है सभी कैदी अपने अपने लाइफ के बारे में बताने लगे और उसी बीच मुनव्वर फारी के रैप सॉन्ग की चर्चाएँ होने लगी, जिसके बाद की बैक टू बैक मुनव्वर फारी अपने रैप सॉन्ग को सुनाते नजर आए और वहाँ पर निशा रावल, जीशान खान बैठे सभी कंटेस्टेंट्स उनके रैप सॉन्ग की तारीफ भी करने लगे। इसी बीच निशा रावल ये भी कहती नजर आई कि मुनव्वर फारी के रैप सॉन्ग को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हुए हैं। इट मीन्स कि मुनव्वर फारी ने जो रैप सॉन्ग गाया था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ था। इसी बीच आपको बता दूँ कि निशा रावल ने ये भी कहा मुनव्वर फारी को कि वो उनसे बाहर रैप सॉन्ग के बारे में ज़रूर बात करेंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निशा रावल भी सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी दिनों से एक सिंगिंग बैंड बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। वेल, आखिरकार मुनव्वर फारी के इस रैप सॉन्ग को सुनकर आपको क्या लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।